थैंक यू। पहले तो आप सब लोग अपना कीमती समय देकर आप सब लोग यहाँ पे बुला रहे, एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जो बात हरप्रीत जी ने, प्रकाश जी ने, भूर सिंह जी ने, दोनों प्रिंसिपलों ने, बच्चों ने, सबने जो बोला, तो मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा माइंड था कि आज एक वर्कशॉप लेना है, हैंड ओवर करना है, पर जो मैं प्रिपेयर करके आया था मुझे वो बोलने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ माहौल ऐसा बना है जहाँ पे मन नहीं बोल रहा है, दिल बोल रहे हैं, सबके दिल बोल रहे हैं। तो मैं भी दिल से ही बोलना चाहता हूँ, जो मैडम ने बोला कि ये सब लोग मिल के करते हैं तो ही हो सकता है, और मैडम ने जैसे बोला कि अब यहाँ से मुझे बोलना है, तो जब ऐसा माहौल होता है, जब प्रिंसिपल, बच्चे, वेदांता केन, भूर सिंह जी जैसे दादा, युवा अनस्टॉपेबल जैसी टीम, सब लोग इकट्ठा होकर जब काम करती है, तो नॉर्मल लाइफ में जब माइंड से काम करते हैं, हम लोग हस्बैंड वाइफ होते हैं या घर का करते हैं या जिम्मेदारी का काम करते हैं, तो गलत फहमियां होती है। लेकिन जब ऐसा माहौल बनता है जहां पे पूरा सर्कल कनेक्ट होता है, पूरा डॉट कनेक्ट होता है, तो खुश फहमियां होती है, गलत फहमियां कन्वर्ट हो जाती है खुश फहमियों कि सब लोग खुश होते हैं एक साथ। तो मैं माहौल के लिए बोलना चाहता हूं कि खुश फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प है, खुश फहमियों के सिलसिले इतने दिलचस्प है कि हर एक ईंट सोचती है ये दीवार मुझ पर जिंदा है, ये दीवार मुझ पर जिंदा है। जब मैंने सोचा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों का जो मोटिवेशन है, हम लोगों को जो काम करने की इच्छा होती है, और मैं बच्चों का बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जबकि आप लोग सब इनकी तारीफ करते हो, एक्चुअली जो कवि सम्मेलन में कवि चाहता है कि मुझे तालियां चाहिए, हम जैसे युवाओं को आप लोगों के आशीर्वाद चाहिए कि आपने इतनी अच्छी टेस्टिमोनी दी। मैं सबसे पहले सृष्टि, जो आप, मैं बच्चों की तारीफ सुन रहा हूं, आई थिंक मैं इनका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं ताकि आप सबको पता चले और बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि कौन से बैकग्राउंड से आते हो, क्या काम कर रहे हैं। तो सृष्टि है, सृष्टि के 3 साल पहले सीयू, वो एक बहुत पुअर खानदान से बिलोंग करती है, गरीबी से बिलोंग करती थी, और उसके पापा की डेथ हो गई 3 साल पहले। जब उसकी छोटी सिस्टर, जो पढ़ने में बहुत होशियार थी, उसके 90% अबव है, तो हम, वो हमारे पास आई, हमने उसको स्कॉलरशिप दिया। जब स्कॉलरशिप दिया तब पता चला कि पूरा फैमिली बहुत असमंजस में, कोई मदद करने को नहीं है, छोटा सा परिवार था, उसके पापा की अचानक से डेथ हो गई, तो अब क्या होगा। तो वो जो, जिस बच्ची को हमने स्कॉलरशिप दिया उसकी ये बड़ी बहन थी सृष्टि, तो हमने सोचा कि हम इसको एज अ फेलो जॉब दे देते ताकि एक फैमिली एम्पावर हो। तो हमारे यहाँ पे एक छोटी सी स्कीम चलती है जहाँ पे हम फेलो को 6500 रुपीज देते पर मंथ, शायद प्रिंसिपल, टीचर या जो भी 5वां 7वां कमीशन है, हम सबको सैलरी मिलता है। इस बच्ची को हमने 6500 रुपए महीने में रखा कि तू यहाँ पे आ, देख और तू बच्चों को क्या मदद कर सकती है। और जिस इंसान ने वो परिस्थिति का सामना किया होता है, जिस इंसान ने वो दुख का सामना किया हो सकता है, उस लड़की का दिल बोलता था, और मेरी आंखों में आंसू आ गए जिस दिन, जब हमारे वहां पे एक HIV पॉजिटिव सेंटर है, अनाथ बच्चों का सेंटर है, उसमें उसने उसकी पापा की पुण्य तिथि के वहां 6500 रुपए की सैलरी में से 4500 का पंखा लगाया, और वो 1.5 साल में इतनी ट्रेन हो गई है कि आज उसकी मैं तारीफ सुन रहा हूँ। मतलब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है जहाँ सृष्टि की तारीफ हो रही है कि उसने जबरदस्त बच्चों के लिए काम किया, बच्चों का माइंडसेट चेंज किया, बच्चों की वैल्यू चेंज की है। पर ये लोगों का मोटिवेशन आप लोगों के आशीर्वाद ही है। संध्या, जिसका मंडला वर्कशॉप बोलो या वो बोलो, उस बच्ची ने, एक टाइम था जब वो जॉब करती थी तो वो डिप्रेशन में थी, उसको आत्महत्या के भी थॉट्स आते थे, तब उसने पूरी चीजें, लाइफ की सारी चीजें छोड़ दी, बोला सर मुझे सिर्फ मदद करनी है, मुझे सिर्फ सेवा करनी है। और NID जो आई थिंक इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है जिसमें 8 के बच्चे जाते हैं, जिसमें 8 होती है, वो NID में एडमिशन लेते हैं, उस बच्ची ने सेवा करने के लिए वो एडमिशन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैं गांव गांव घूमूंगी, मैं स्कूल घूमूंगी, और इतना टैलेंट भरा पड़ा है जहां पे वो चाहे तो आज बॉम्बे जाके या किसी आर्ट गैलरी में जाके महीने के 2 लाख रुपए कमा सकती है, पर हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस से, और महीने के 15 दिन बच्चों के लिए ट्रैवल कर दी शहर से। ये जैस्मिन पोपट है जो आप लोगों के साथ में आती, जिसकी मैं इतनी तारीफ सुन रहा हूँ। आई थिंक जब इसकी शादी हुई थी तो अचानक से 1 या 2 साल पहले बाद में इसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ये और इसका छोटा सा बच्चा, फैमिली, डोमेस्टिक वायलेंस, सब कुछ पास करके ये युवा अनस्टॉपेबल के स्तर पे पहुंची, तब जाके दिल से सेवा होती है, तब जाके हम बच्चों के हार्ट छू सकते हैं। पर मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि ये जब हम लोग आते हैं, जब ऐसे बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो इनके मन में एक ही चीज है, दैट हाउ वी कैन ब्रिंग द डिफरेंस, हम लोग चेंज कैसे ला सकते हैं, हम लोग बच्चों से हार्ट टू हार्ट कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि क्यों कितना फर्क पड़ता है। जब मैं पढ़ाई करने के लिए न्यूजीलैंड गया था तो वहां पे पहले से मैं युवा आश्रम में सेवा करता, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, बट न्यूजीलैंड इतना रिच कंट्री है कि वहां सेवा करने जैसा कुछ मिला ही नहीं। तो मैं बीच पे एक दिन चल रहा था तो मैंने देखा एक बूढ़ा इंसान जो मछलियां बाहर आ रही थी समुद्र में से उसको वापस डाल रहा था,
तो मेरा माइंडसेट था इंडियन कल्चर का कि यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इतनी बेकारी इतनी गरीबी की कितना करोगे क्या फर्क पड़ेगा, नॉर्मली सबको माइंड में यही आता है। तो मैंने वहां जाके सेम माइंडसेट से वो इंसान को पूछा, वो 82 ईयर ओल्ड इंसान था, इतना बुरा इंसान था, मैंने कहा हाँ फिर क्या फर्क पड़ेगा, करोड़ों की तादाद में मछली आ रही है, बंगलो डालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन उसके रिप्लाई ने मेरा पूरा माइंडसेट बदल दिया, बोले यू आर राइट जेंटलमैन कि कोई फर्क मुझे पड़ने वाला नहीं है, करोड़ों की तादाद में आ रही है, लेकिन जो मछली को मैं अंदर डालूंगा उसका शायद पूरा जीवन बच जाए। सेम वे यहाँ पे हम सबका माइंडसेट वो है कि शायद कोई फर्क पड़े ना पड़े, दुनिया बदले या ना बदले, देश बदले या ना बदले, बट हम अपने आप को बदल देते हैं। मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं आके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूंगा, स्कूल में जाऊंगा, बच्चों के साथ एक्टिविटी करूंगा, शायद स्कूल बदले ना बदले, टीचर बदले ना बदले, बट मेरा अपने आप का स्वभाव जरूर बदलेगा। और हम ये फोकस रख के चलते हैं। दूसरी बात कि हम क्यों मेंटेनेंस की बात करते हैं, हम क्यों सस्टेनेबिलिटी बात करते हैं, तो हम आपको एक पिक्चर बता दें। जब इनिशियल में यहाँ पे स्कूलों में सर्वे करने गया था तो एक माइंडसेट, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, सबका माइंडसेट डिफरेंट होता है और सबका अलग अलग माइंडसेट है, तभी एक सर्वाइवल होता है। तो कुछ माइंडसेट होता है कि ये टेन इंडिया से है, इनके पास बहुत सारा फंड है, इनके पास ये है, इनसे वो करवा लो, इनसे वो करवा लो, ये टूट गया वो हो गया। मैं आपको जेन्युइन परिस्थिति बताता हूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी 30 साल की उम्र है और मैं सबसे बड़ा इंसान, हम बच्चे हैं, बच्चे लोग मिलकर सेवा का काम कर रहे हैं, तो हमारे पास उतना ना ही पैसा होता था। ये जब हमने एमओयू साइन किया तो हम बारी बारी रिपोर्ट बनाते हैं, हमने एक बार कर दिया, कोई प्रिंसिपल बोलता है कि हमारे स्कूल में बहुत अच्छा काम हुआ है, किसी के प्रिंसिपल में टॉयलेट सेट टूटा होगा या नल टूटा हुआ होगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोसेस में जब तक 26 के 26 स्कूल मेंटेन ना हो, 26 के 26 स्कूल लीकेज ना हो, 26 के 26 स्कूल में रिजल्ट ना हो, हमारा फाइनल एमओयू का पैसा हमारे पास आने वाला नहीं। जो भाव जुड़ा हुआ है वो भाव का ये हैंडओवर का वर्कशॉप क्या है कि छोटी छोटी चीजों से बहुत सारा डिफरेंस होता है। अब यहां से दो चीज हो सकती है, या तो हमारा ये पायलट सक्सेस हो जाए कि दो साल में हमने इतना मोटिवेट किया, हमने इतनी मेहनत की, हमने बच्चों के साथ इतना जाके कनेक्ट किया कि वो अब ऑटो मोड पे बच्चे मेंटेन करते हैं, तो हम हमारा मोटिवेशन बढ़ा के ये प्रूव कर सकते हैं पूरी कंट्री में कि नहीं, गवर्नमेंट स्कूल या गरीब बस्ती या जो बस्ती है वो ऐसा माइंडसेट नहीं रखती है कि फिर तोड़ फोड़ जाएगा तो लाखों बच्चों का भला होगा। और या तो हम ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि कितना ही पैसा डाल दो पर वहां मेंटेन होने वाला है नहीं। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप ये जो स्कूल का माइंडसेट है, गवर्नमेंट स्कूल में आप ताजमहल भी बना दोगे तो टिकने वाला नहीं है। बट ये लड़ाई हमारी और ऐसे माइंडसेट वालों की, जहां आप सबके आशीर्वाद चाहिए कि अगर मैंने ताजमहल बनाया तो ताजमहल से बेटर चीज बनाने का कोई विजन देखे और अच्छा है। क्यों हम लोग ताजमहल का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि उससे बेटर किसी ने विजन देखा ही नहीं। पर वी वॉन्ट टू क्रिएट अ एग्जाम्पल, मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैं ऐसा टॉयलेट देखना चाहता हूँ जिसके अंदर बैठ के कॉफी पी सकूं, जिसके अंदर बैठ के खाना खा सकूं। ये सोच बदलने के लिए हमने मुहिम चलाई और हम ऐसे 1.5 लाख बच्चों को मोटिवेट कर चुके हैं जो हफ्ते में 2 घंटे सेवा करने के लिए युवा अनस्टॉपेबल में आते हैं। सो हमारा मोटिवेशन एमओयू या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारा मोटिवेशन है बदलाव। अगर ये स्टोरीज में ले जा सकता हूँ, ये स्टोरी से मैं बदलाव ला सकता हूँ, ये स्टोरी से मैं लोगों में चेंज ला सकता हूँ, दैट इज व्हाट माय मोटिवेशन इज। ये भूर सिंह जी जैसे लोग मिलते हैं तो मुझे दो बात याद आती है कि ऐसे लोग भी समाज में होने चाहिए। इनके लिए मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि खुदा तूने हमेशा मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में भरोसा है, हे खुदा तूने हमेशा मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में भरोसा है, चाहे लाख मुश्किलें दे दे मेरे मालिक लेकिन फिर भी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वाले का पेट कभी भरता नहीं और बांट कर खाने वाला कभी भूखा सोता नहीं। तो एसएमसी के लोग, देने वाले लोग, लेने वाले लोग, हम सब लोग मिलकर जब काम करेंगे, अगर हम लोग सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं तभी हम एक एग्जांपल सेट करते हैं कि नहीं, हमारे गांव की सोच बदली है, हमारे बच्चों की सोच बदली है। सोच बदलते ही जीवन बदलेगा, चाहे कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, आपका जीवन वही है जो आपकी सोच है, जो आप हो, आपको जीवन में वही मिल रहा है जो आप हो। ये मेरा अनुभव कहता है कि अगर मुझे लाइफ में ये काम करने के लिए मिला है तो वो मैं हूँ। आपको भगवान ने प्रिंसिपल मिला है, भूल बनाया है, तो आपने शायद उस चीज को अट्रैक्ट किया होगा कि आप लाखों लोगों की लाइफ बना सकते हो। जीवन भर आप जाओगे वहां कोई भी हस्ती आके आपके कदमों में झुकने वाली है कि मैं इंजीनियर बनाऊ तो आपकी बदौलत, मैं डॉक्टर बनाऊ तो आपकी बदौलत, मैं आईएएस बनाऊ तो आपकी बदौलत। लेकिन अब हम लोग सपोर्ट मिलके, सपोज अगर हम यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि यहाँ पे 26 स्कूलों में अच्छा काम किया है, तो हम आने वाले 250 स्कूल का मोटिवेशन रख सकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं जाके एक स्कूल में मदद करूं या मैं जाके 100 स्कूल में मदद करूं, पर हमें फर्क सिर्फ मोटिवेशन में पड़ता है। अगर हमारे पास अच्छी स्टोरीज आती है, हमारे पास अच्छे एग्जांपल आते हैं, हमारे पास अच्छे प्रिंसिपल आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इंडिया बदल सकता है, इंडिया की हालत बदल सकती है, स्कूल की हालत बदल सकती है। और हमेशा मैं ये चीज में बहुत बिलीव करता हूं कि
अच्छे लोगों की कमी है। जब म्युनिसिपल स्कूल में फूड पॉलिश करता हुआ बच्चा नजर आता है तो भी मुझे ऐसा याद आता है कि भाई लोग हमेशा मंजिलों की राह देखते हैं लेकिन मैं हमेशा रास्तों की राह पे होता हूँ। लोग हमेशा मंजिलों की राह देखते हैं लेकिन मैं हमेशा रास्तों की राह पे देखता हूँ। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ पूरे लोग ज्यादा है, ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि यहाँ बैठे हुए अच्छे लोग खामोश हैं। अगर हम सब लोग मिलके ये डिसाइड कर ले, 10 अच्छे लोग मिलके एग्जांपल सेट करेंगे तो 100 बुरे लोगों का खामोश कर सकते हैं। लेकिन बात है कि हम कितना ज्यादा एक्स्ट्रा माइल सोच सकते हैं, हम कितना एक्स्ट्रा सोच सकते हैं, हम हमारे एफर्ट्स को कितना एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं वहां पर हमारा ये होता है कि भाई हम क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। हम एक स्कूल की स्टोरी से दूसरी 100 स्कूल की स्टोरीज को कैसे एग्जांपल के तौर सेट कर सकते हैं, हम कैसे इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और बच्चे ही बच्चों की लाइफ बदल सकते हैं, उनमें उतना ही हुनर है, हमें तो सिर्फ वो सोच को बाहर लाना है, हमें तो सिर्फ वो जो उसके अंदर ड्रीम है वो बाहर लाना है। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं सामने वाले के लिए कुछ एहसान कर रहा हूं या सामने वाले के लिए कुछ कर रहा हूं तो उससे तो मैं बाहर आऊंगा, आई कैपिटल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये सोच लूं कि हम लोग मिलकर करते हैं वी एस अस, तो बदलाव जरूर आएगा। तो हम लोग युवा अनस्टॉपेबल की तरह एक टीम बना के जहां पे भी काम करते हैं, तो ऐसे 4 फेलो को हमने रिक्रूट किया है। लेकिन अगर आप जैसे लोगों से सपोर्ट मिले, आप जैसे लोग उनको वेलकम करें, आप जैसे लोग उनको आशीर्वाद दें, तो हम ऐसे और 40 की लाइफ भी बना सकते हैं जो जीवन में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ छोड़ा है। हमारे देश में इतने युवा है, हमारे पास जो 1.5 लाख युवाओं की आर्मी है उसमें से कई दिन लोग आते हैं, आईएम में से 5 होकर भी लोग आते हैं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। पर उसको करने के लिए अच्छा माइंडसेट चाहिए, अच्छा बदलाव चाहिए। हमें तो सिर्फ उतना ही चाहिए कि हमारी टीम को आपकी तरफ से आशीर्वाद मिल जाए, हमने जो किया है उस चीज में सिर्फ सपोर्ट मिल जाए, और जो किया है उसके साथ आप लोग जुड़ जाओ, क्योंकि जो चीज पॉसिबल है वो सिर्फ आपके तहत है, क्योंकि आप वहां के जादूगर हो, आप वहां के लीडर हो, आप वहां के कर्ता धर्ता हो। लेकिन हम और आप दोनों मिलके आपके आशीर्वाद से हम क्या बदलाव लेके आ सकते हैं, यही हमारा हमेशा माइंडसेट रहता है। जब हम मीटिंग करने जाते हैं आईएएस ऑफिसर से या चीफ मिनिस्टर से, तो हमारे एनजीओ का यही एजेंडा रहता है दैट वी वांट टू बी सपोर्टिव टू द प्रिंसिपल। वहां पे 99% एनजीओ होते जो बोलते स्कूल में ये काम नहीं होता, प्रिंसिपल ये नहीं करते, वो नहीं करते, बच्चे नहीं आते, ये नहीं आते। लेकिन हम वो है कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंसिपल को कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि जो मेन लीडर है उसको एम्पावर नहीं करेंगे तो ऐसे भी हम बदलाव ला नहीं सकते, हम कहीं रोज जा नहीं सकते। पर हमारा जो एफर्ट्स है, आज का जो हमारा विजन है कि हमने 2 साल में सपोज यहाँ पे 26 स्कूल में काम किया है, 26 में से 15 बहुत बेहतर होंगे, 5-7 टूटे फूटे होंगे, 5-7 ये होंगे, बट मेरा जो भाव है वो ये कि मेरी सक्सेस, मेरा मोटिवेशन, मेरी स्माइल, वेदांता केन की स्माइल तो तभी आएगी जब 26 के 26 सक्सेस है। सो वो एक परिवार के 5 बेटों के जैसा है, 2-3 बहुत सक्सेसफुल हो गए और 2 नहीं है तो चिंता तो वो 2 की रहने वाली है, वो 3 तो अपना ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर देंगे। सो हमारा जो यहाँ पे भाव है हैंड होल्डिंग का या करने का, या क्यों हम 2 साल तक आए आपके स्कूल में आए, वो आप सबसे रेपो बनाने के लिए, ताकि हम आपको प्यार से 2 हाथ जोड़ के गुजारिश कर सके कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आ रहे हैं, हम आपके स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हम बड़े बन गए। हमने इसलिए 2 साल तक प्रोग्राम चलाया, हमने इसलिए ये फेलोज को भेजा ताकि आपके साथ दोस्ती हो सके, आपके साथ हम हाथ जोड़ के खड़े रह सके, और विनम्रता से हम लोग साथ में आपके स्कूल में कैसे बदलाव ला सके, उस बदलाव की तरफ हम कैसे बढ़ सके, वो हमारा विजन है। हम लोग ये चाहते हैं कि हर एक प्रिंसिपल अपनी स्कूल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमारे टीम के साथ शेयर करे, कि जैसे सर ने बोला कि मेरे माइंड में बहुत सारे आइडिया है, हर प्रिंसिपल अगर ऐसा सोच ले कि मुझे नेक्स्ट 2 साल में क्या 5 बदलाव मेरे स्कूल में लाने हैं। और जरूरी नहीं है हर बदलाव पैसे से ही आता है, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तभी भी हम इतने ही खुश थे, हमारे पास जब पैसे तभी भी हम इतने ही खुश है क्योंकि हमने सोचा है कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ। मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो मैं कॉलेज इसमें से मूवमेंट चला रहा था, और मैंने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट के साथ फाइट करके स्वीपर की सैलरी 600 रुपए थी उसको अभी 3500 रुपए मैंने करवाई, और 6200 टॉयलेट मैंने खुद ने जाके क्लीन किए। पर जरूरी वो नहीं है, जिस दिन टॉयलेट क्लीन किए उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं भगवान के सबसे करीब हूं, जिस दिन मैंने आत्मा से जाना कि जो काम वो करता है जो मेरे लिए है, मेरी सुविधा के लिए है, तब जाके रोज सुबह उठ के हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि भगवान उस इंसान का शुक्रिया था जो मेरे लिए क्लीन करता है, उस इंसान का शुक्रिया था जो हमारे लिए खेत की उपज बनाता है, उस इंसान का शुक्रिया था जिसने टॉयलेट बनाया। तो अभी हम जो बच्चों को थैंक यू कहना सिखाते वो ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके सिखाते हैं, पहले हम लोग हमारे पे प्रैक्टिस करते हैं, हमारी टीम पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बच्चों में लेके जाते हैं। तो हम जब उठते हैं तो हमारी पूरी टीम सुबह से लेके ना धो के तैयार हो तब तक 83 आइटम को थैंक यू बोल चुकी होती है। ब्रश करते तो बोलते थैंक यू ये नल में पानी आ रहा है तो कितनों ने मेहनत की होगी पाइपलाइन लगाने, अगर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आ रहा है तो कितने ही लोगों ने मजदूरी की होगी, इनके कितने ही एम्प्लॉई उसमें लगेंगे, शायद कितने ही लोग तो मर भी गए होंगे तब जाके हमारे नल में ऐसे पेट्रोल आता है और जाता है।
हम सुबह उठ के थैंक यू की प्रैक्टिस करवाते हैं, पर जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है या बच्चों को जितना भी नॉलेज देते हैं वो कहीं कोई बुक में पढ़ के नहीं देते, पहले हम लोग खुद करते हैं, हम लोग स्कूल पे जाते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं और उसके बाद जाके हिम्मत करते हैं कि हम बच्चों से शेयर कर सकते हैं। और जितना भी काम अब तक हम करते हैं बच्चों के साथ में वो कहीं हमने कुछ पढ़ा हुआ नहीं, हमने रियलाइज किया हुआ हमको ये कर रहा है, चाहे वो करेंगे या नहीं करेंगे पर फिर भी दो हाथ जोड़ के बच्चों के साथ करते हैं। द ओनली स्मॉल रिक्वेस्ट हियर इज कि हमारा जो विजन है कि हमने 26 स्कूल में टॉयलेट बनाए, ड्रिंकिंग वाटर एरिया बनाए, हमारी टीम के साथ मिलके, अभिषेक के साथ मिलके, हम लोग साथ में जुड़ के एज अ स्ट्रेंथ बन के किस तरह से नया बदलाव ला सकते हैं, वही आप लोगों को दो हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हम एटलीस्ट वो मुहिम की तरह जाए और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जाम्पल सेट करें कि हम जो काम करते हैं उसमें प्रिंसिपल का सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है और वो मेंटेन करेंगे। और अगर वो हमने प्रूव कर दिया तो हम कितनी स्कूल में लेके जा सकते हैं, कितनी स्कूल्स के बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अच्छा किया तो आपको बेनिफिट है, लेकिन आप ये सोचिए कि आप भले 5 लाख रुपए देके टॉयलेट बना नहीं सकते लेकिन आप आपका टॉयलेट अच्छा रख के 500 स्कूल में टॉयलेट बनाने की प्रेरणा आप हम लोगों को दे सकते। सो वो योगदान सबसे बड़ा है। आपकी 26 स्कूल में अगर आपने बहुत अच्छा मेंटेन रखा, आपने बहुत अच्छा बदलाव लाया और आपने बहुत अच्छी स्टोरीज लाई तो शायद आपकी आसपास की 260 स्कूल में काम करने की प्रेरणा वेदांता गेम को मिल सकती है। सो आप लोगों का जो योगदान है वो इतना बड़ा है जिसकी आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप लोगों का जो फीडबैक, आप लोगों का जो स्टोरी, आप लोगों का जो चेंज, वो आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि अगर आप उसमें योगदान दे सकेंगे तो शायद बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों को टॉयलेट नया देखने को मिलेगा। और नए टॉयलेट से क्या होता है, ऐसा हमारा एम नहीं है कि हम उसको फर्स्ट क्लास टॉयलेट दे दें। हमारा एम ये है कि मेरी बेटी जो टॉयलेट में जाने का अधिकार रखती है वही ये बेटी भी रखती है, तो बेटी की सोच बदलनी चाहिए कि जहां जाऊंगी वहां अच्छा टॉयलेट इस्तेमाल करूंगी और ये मेरा बेसिक अधिकार है। मेरा सोच वो नहीं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट में बेस्ट दे दे, मेरा तरीका वो है कि हम ये बच्चों की सोच कैसे बदल सकते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सोचे कि भाई अच्छा टॉयलेट, अच्छा पानी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी स्कूल, ये मेरा बेसिक अधिकार है। और ये सोच रखी तब हमारे प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया जो वर्ल्ड में नंबर 1, तब हमारे प्रधानमंत्री ने स्टेडियम बनाया जो वर्ल्ड में नंबर 1 है। वो चीज पहले भी हो सकती थी पर वो सोच हम बच्चों को देना चाहते हैं दैट अगर मैं टॉयलेट में जाती हूँ तो बेस्ट में बेस्ट जाती हूँ, अगर मैं पानी पीती हूँ तो बेस्ट में बेस्ट हूँ, अगर मैं स्कूल में हूँ तो बेस्ट में बेस्ट हूँ और लाइफ में जो कर रही हूँ वो बेस्ट में बेस्ट कर रही हूँ। तो हमारा जो सोच है वो ये कि हम कैसे ऐसा प्लेटफॉर्म बढ़ाए जहां पे ऐसा माहौल हो जहां बच्ची सोचे कि आई एम दी बेस्ट एंड आई कैन डू दी बेस्ट। और वही मुहिम से हम सारी वैल्यूज सिखाते हैं, वही मुहिम से हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं पर ज्यादा फोकस करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में कैसे हम हार्डवेयर को मेंटेन कर सकते और उसकी सारी वैल्यूज बच्चों में देते हैं। और विजन इज नॉट टू क्रिएट ग्रेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, पर हमारा जो विजन है वो है कि हम जो बच्चा है उसको एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक बेहतर सिटीजन कैसे बनाए। सो आप सबका योगदान मिला, आप सबका प्यार मिला, आप सबने हमारे युवा अनस्टॉपेबल के साथियों के लिए इतना अच्छा बोला उसके लिए फिर से दिल से मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि हम इसको बहुत आगे ले जाए, दूसरी कई स्कूलों को बेनिफिट मिले, उसके लिए आप सबका योगदान मेंटेनेंस में रहे। थैंक यू।